कि मैं और मेरी टीम अभी अभी उनके घर वालों से मिलके आ रहे हैं, साथ साथ मेरी अमित भाई से फोन पे भी बात हो गई है, तो अब ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। अमित भाई अभी खतरे से बाहर है। प्लीज कोई भी इस चीज को लेके कोई भी फेक वीडियो मत बनाना यार, ये एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ भी हो सकती है। कहते बड़ी खुशी हुई कि भाई खतरे से बाहर है अभी, कि मैं और मेरी टीम अभी अभी उनके घर वालों से मिलके आ रहे हैं, साथ साथ मेरी अमित भाई से फोन पे भी बात हो गई है, तो अब ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। अमित भाई अभी खतरे से बाहर है। प्लीज कोई भी इस चीज को लेके कोई भी फेक वीडियो मत बनाना यार, ये एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ भी हो सकती है। कैसे हो दोस्तों, एक ऑफ डॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, अमित भाई क्रेजी एक्स वाई जेड को एक कोबरा सांप ने काट लिया। हालांकि उनकी हालत अभी ठीक है। जैसा कि आप जानते हो, मिस्टर इंडियन हैकर यानी हमारे दिलराज भाई उनके घर गए थे। जैसे कि पहले आप ये वीडियो देखिए, हमारे मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई उनके घर गए थे और वहां से उन्होंने एक अपडेट दिया है, पहले आप ये वीडियो देखिए। तो गाइस यार, कल से ही मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स और बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई यार, अमित भाई को सांप ने बाइट कर लिया है, वो अभी बहुत ज्यादा मुसीबत में है। तो गाइस यार, मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरी टीम अभी अभी उनके घर वालों से मिलके आ रहे हैं, साथ साथ मेरी अमित भाई से फोन पे भी बात हो गई है, तो अब ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। अमित भाई अभी खतरे से बाहर है। जी हाँ गाइस, मेरी उनके घर वालों से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि कल वो कोई साफ सफाई का काम कर रहे थे और वहां पे सांप था और उनकी नजर उन पे नहीं गई और एकदम से ही साफ सफाई करते टाइम ही उनको अमित भाई को सांप ने हाथ पे डंक मार लिया। लेकिन गाइस यार, ये आप लोगों की दुआओं का ही असर है कि इतने जहरीले सांप के काटने के बाद भी अमित भाई अभी बिल्कुल सही सलामत है। बस यार गाइस, और क्या चाहिए, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि अभी सारी चीजें सही है। मैं आपको अमित भाई से भी मिला था, लेकिन यार अमित भाई को भी थोड़ा सा रेस्ट करने दो, अभी अभी तो वो थोड़ा रिकवर हुए, तो अभी उन्हें रेस्ट करने दो यार। जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तब मैं आपको उनसे मिला दूंगा। आपकी भी वैसे तो वो खुद ही आ जाएंगे यार, खुद ही वीडियो अपलोड कर देंगे जो भी उनके साथ हुआ उस सब चीजों के बारे में। बस मैं एक ही चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार प्लीज कोई भी इस चीज को लेके कोई भी फेक वीडियो मत बनाना यार, ये एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ भी हो सकती है। तो प्लीज यार, कोई भी फेक न्यूज या फेक खबर इंटरनेट पे मत फैलाना। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी उनसे बात हो गई है, अभी वो खतरे से बाहर है और जल्द ठीक हो जाएंगे और जल्द लौटेंगे। बस यार, कोई फेक वीडियो मत बनाना। तो फाइनली गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रेजी एक्स वाई जेड अभी एकदम से ठीक है। और हम पहले आपको दिखा दें, यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं जो कि कल से लगातार भाई पूजा कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या हाल है? बढ़िया भैया। कहते बड़ी खुशी हुई कि क्रेजी एक्स भाई खतरे से बाहर है, अभी कहते उन्होंने खबर दी, बड़ी अच्छी खुशी लगी। मैं उनके स्टार्टिंग से वीडियो देखता था, मैंने जैसे कल पता चला कि कहते उनके कहते सांप ने काट लिया, बड़ा काफी दुख हुआ था। तो मतलब इतने बड़े फैन हैं आप? उनके वीडियो काफी अच्छे लगते थे। चलिए बढ़िया बात है, करनी भी चाहिए, क्योंकि वीडियो अच्छी हो या ना हो, लेकिन सबसे अच्छी खुशखबरी यही है लोगों के लिए और लोग सबको पता चले, जो अफवाहें फैला रहे हैं अफवाहें ना फैलाएं। हां, लोग बहुत सारे उनके माला लगा दे रहे हैं, उससे क्या कहना चाहेंगे आप? वो अफवाहें मत फैलाएं, कहते किसी के साथ ऐसी घटना हो सकती है, अफवाहें मत फैलाइए, वो खतरे से बाहर है, अभी कहते अपडेट जस्ट आ चुकी है। वाह वाह, तो भाई पूजा कर रहे हैं कल से। तो फाइनली गाइस, अभी दिलराज भाई हमारे जो है, उन्होंने अपडेट दिया है कि क्रेजी एक्स वाई जेड एकदम से ठीक है। उनको जो इंजेक्शन लगता है वो लग चुका था कल ही और उनकी हालत से बाहर है, हालांकि अभी उनको रेस्ट के लिए बोला गया है। तो फाइनली गाइस, ये सब आपके दुआओं, आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत है जिससे वो भाई खतरे से बाहर है। ये जैसे बंदे अगर जब सपोर्ट करते हैं, दुआ करते हैं, कोई भी हो यार, इंसानियत अगर आपके अंदर है। और यहीं पे बस थोड़ा ख़राब ये लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूबर हैं जो उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि अमित भाई नहीं रहे, माला लगा दिया कि भाई जा चुके हैं, तो क्यों करते हो भाई? चंद व्यूज़ के लिए आप किसी के साथ ऐसा मत करें यार। आज आप हैं, कल वो अमित भाई हैं, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको भी किसी सांप काट सकता है। खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन बस ऐसा मत करिए किसी के साथ, किसी का मिसयूज मत करिए कि भाई उनके साथ ऐसा भी हो गया, अफवाह मत फैलाओ यार। तो फाइनली गाइस, जितने भी अमित भाई के फैंस हैं, जितने चाहने वाले हैं, खुशखबरी है कि अमित भाई खतरे से बाहर हैं और बहुत जल्द वो वाला वीडियो भी आने वाला है जहाँ पे उनको स्नेक ने काटा था, वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने कहा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ शेयर की जाए कि भाई अमित भाई के जितने फैंस हैं, अमित भाई बाहर हैं खतरे से। तो फाइनली मिस्टर इंडियन हैकर की पूरी टीम उनके घर गई थी, उनकी फैमिली से, और हॉस्पिटल में उनसे मिलने गई थी और उन्होंने अपडेट्स दे दिया है कि भाई अमित भाई एकदम से ठीक हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपसे बता दूं कि अमित भाई ठीक हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर दें, अमित भाई के फैन हैं, क्रेजी एक्स वाई जेड के फैन हैं, मिस्टर इंडियन हैकर के फैन हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लाते रहें। ये व्लॉग्स नहीं, ये खाली एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर करनी जरूरी थी। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।